उम्मीद है आप दुनिया के सबसे खतरनाक मैच, हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयार होंगे, जो कि अभी बस 2 घंटे में होने वाला है। मात्र 2 घंटे का इंतजार, 3 बजे भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है एशिया कप में। भारत और पाकिस्तान भिड़ेगा, धड़कनें बढ़ जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि इस मैच का इंतजार हर एक क्रिकेट फैंस को होता है, हर एक क्रिकेट प्रेमी को होता है। अब आप बताइए कि इस मैच में तुरुप का इक्का कौन हो सकते हैं दोनों टीमों की, अगर बात करेंगे भारत की बात कर लें या पाकिस्तान की बात कर लें। कुछ रिकॉर्ड्स पर अगर नज़र डालेंगे, इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में किस तरीके से खेलता आया, तो आपको बता दें भारत का पल्ला भारी है। 1984 से एशिया कप की शुरुआत हुई, 7 बार जो टाइटल है भारत के नाम हुआ है, 6 बार श्रीलंका ने जीता है और 2 बार पाकिस्तान ने जीता है। इस बार का आप मैच देखेंगे, जो टीमें देखेंगे, तो टीमें बड़ी बैलेंस नज़र आ रही है, चाहे इंडिया की बात कर ले या पाकिस्तान की बात कर ले। बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें, इंडिया की भी उतनी ही मजबूत है, पाकिस्तान की भी उतनी ही मजबूत है। हमेशा जो बॉलिंग का एज रहा है पाकिस्तान के पास रहा है, उनकी जो बॉलिंग अटैक रही है हमेशा से अच्छी रही है और इस बार भी शानदार उनकी अटैक है। खासकर अगर बात कर ले उनकी पेस अटैक की, जो उनकी तिकड़ी है, पेस बैटरी है, शाहीन शाह, आफरीदी, हारिस राउफ और नसीम शाह, वो शानदार गेंदबाज हैं। और आपको पता है कि शाहीन शाह, आफरीदी शुरुआती ओवर में ही, पहले ही ओवर में विकेट निकालने की कला जानते हैं, बड़े खतरनाक गेंदबाज हैं। अंदर की तरफ जो उनकी गेंद आती है, यॉर्कर जो पहले ही ओवर में मारते हैं, तो बल्लेबाजों को संभलना पड़ेगा। खासकर रोहित शर्मा को याद होगा वो पहला ओवर जब वो लपेटे गए थे। तो ये मैच बड़ा ही हाई वोल्टेज होगा और बड़े लंबे समय के बाद जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ऐसे ही लोगों का पूरा दिमाग उस मैच पे चला जाता है। बहुत हाई प्रेशर मैच होता है खिलाड़ियों के लिए भी। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया विराट कोहली इस मैच में क्या करेंगे, तो भैया क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मानकर चलिए कि विराट कोहली की वजह से पूरे पाकिस्तान के टीम पर दबाव होता है, तो विराट कोहली का बल्ला चलना इस मैच में बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान से मैच जीतना है तो विराट कोहली बहुत बड़े तुरुप का इक्का भारत के लिए साबित हो सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर में टॉप ऑर्डर जो इंडियन की जो बैटिंग ऑर्डर है वो शानदार है। रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, शुभमन गिल हो गए और श्रेयस अय्यर की भी वापसी होने से बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में मजबूत हो गई है। पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे, पाकिस्तान को भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे थे पेस बैटरी की, हम आप सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी को बोलकर आप ख़त्म नहीं कर सकते, आपको हारिस राउफ की तरफ भी ध्यान देना होगा जो मैच कैंडी में होने वाली है। आपको बता दें कैंडी के जो पिच है ना उछाल भरी है, तो हारिस राउफ को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। उनकी रफ्तार जो होती है 50 का आंकड़ा छूता है, 50 का कांटा पार करता है, तो ये ध्यान देना होगा। जो इंडियन बल्लेबाज हैं हारिस राउफ को जब वो खेलेंगे तो उनकी गेंदबाजी से मुश्किलें पैदा हो सकती है। और नसीम शाह ने भी एशिया कप में अच्छी गेंदबाजी की है, तो नसीम शाह पर भी नज़र होगी। अगर बात कर लें भारतीय गेंदबाजों की, तो भारतीय गेंदबाज में अगर आप फिलहाल की स्थिति जो देखेंगे, बुमराह के आने के बाद, लंबे समय के बाद बुमराह की वापसी टीम इंडिया में हो रही है, तो भूख होगी उनकी कि भैया विकेट लेना है, इंडिया को बड़ा मैच जिताना है, क्योंकि लंबे समय के बाद वो यादगार एंट्री करना चाहते होंगे। तो बुमराह वर्ल्ड कप के लिहाज से भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं भारतीय टीम में। बुमराह की गेंदबाजी सबको पता है कि किस तरीके से टॉप ऑर्डर को परेशान करना हो, मिडिल ओवर में गेंदबाजी करना हो या फिर अंतिम ओवरों में लगातार यॉर्कर मारकर बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करना हो, तो ये वाला मैच देखने लायक होगा। क्योंकि एक तरीके से एशिया कप है ना, जो वर्ल्ड कप को लेकर तैयारी आप कर सकते हैं कि कौन सी टीमें परफेक्ट 11 लेकर जाएगी टीमें, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो। बैटिंग ऑर्डर आप देख लें, इंडिया की शुरुआत कर लीजिए ऊपर से लेकर आप मिडिल ऑर्डर तक आ जाइए, नीचे 7वें 8वें नंबर तक बल्लेबाज आएंगे। उम्मीद है कि 6 और 5 का रेशियो से खेलने वाले हैं रोहित शर्मा, ऑलराउंडर भी उसमें होंगे, 5 गेंदबाज के साथ वो ऑलराउंडर को लेकर जाएंगे। तो रविंद्र जडेजा 7वें 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, हार्दिक पांड्या भी हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं, सूर्य कुमार यादव भी होंगे, ईशान किशन भी होंगे, क्योंकि केएल राहुल 2 मैचों के लिए फिट नहीं है, तो ईशान किशन के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस मैच में। तो किशन किस तरीके से इस मैच को इनकैश करते हैं, भंजाते हैं वो उनके लिए, क्योंकि केएल राहुल के बाद शायद उनके लिए जगह नहीं होगी। तो भैया 2 मैच तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईशान किशन को भी पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टॉस अगर टीम जो जीतती है और बल्लेबाजी करती है, रन बनाएंगे, अच्छे रन बनाकर स्कोर बोर्ड पर प्रेशर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर दोनों की मजबूत है। हम भारत की तो बात कर ही रहे हैं,
पाकिस्तान की देखेंगे तो पाकिस्तान भी बहुत अच्छी बैटिंग ऑर्डर के साथ यहाँ पर आया है, शायद अभी ICC की रैंकिंग में नंबर वन है। टॉप ऑर्डर आप देख लें, उनके जो बल्लेबाज हैं इमामुल हक 50 के ऊपर का एवरेज है भैया, तो हल्के में तो ले ही नहीं सकते। बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, पहले मैच में 152 रन ठोक कर उन्होंने बता दिया है कि हम आ चुके हैं। बाबर आजम क्लास के बैट्समैन हैं, क्लास के बल्लेबाज हैं, तो मुश्किलें पैदा करेंगे, अगर जल्दी उनको निपटा देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो बाबर आजम लंबी लंबी पारियाँ खेलते हैं सबको पता है। रिजवान कितने खतरनाक है, एक बल्लेबाज के तौर पर स्लॉग हिट करते हैं, डेवस्टेटिंग बल्लेबाज हैं, बॉलर का रिदम तोड़ देते हैं, तो ये भी नज़र रखना पड़ेगा कि कोई बड़ी पार्टनरशिप पाकिस्तान की ना हो। तो ये सब जो बैट जो जो जितने भी बल्लेबाज हैं ना, ये सब खतरनाक बल्लेबाज हैं पाकिस्तान की बात कर ले तो, ये अगर पिच पर हैं तो मुश्किलें पैदा कर लेंगे। वही बात रोहित शर्मा के लिए होती है, अगर रोहित शर्मा 10 ओवर तक टिक गए, 10 ओवर तक वो क्रीज पर रह गए, तो आप ये मान कर चलिए कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे। 3 डबल सेंचुरी है रोहित शर्मा की वनडे में, तो ये भी सबको पता है। और रोहित शर्मा के लिए लिटमस टेस्ट है ये एक तरीके से, क्योंकि कोई बड़ी ट्रॉफी वो नहीं जीत पाए हैं। IPL में ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, इंडिविजुअल उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, लेकिन भैया ICC में क्या, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल उठ भी रहे हैं कि भैया रोहित शर्मा को परफॉर्म करना पड़ेगा, टीम को जितवाना पड़ेगा, कोई कप लेकर आना पड़ेगा ठीक वर्ल्ड कप से पहले। एक ऐसा ये एशिया कप है कि जिसमें पूरी टीम तैयार हो सकती है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैच में जा सकते हैं। तो आप भी बताइए आपकी राय क्या है, कौन से गेंदबाज बल्लेबाज इस मैच में तुरुप के का हो सकते हैं, आपके फेवरेट गेंदबाज या बल्लेबाज कौन है, बल्लेबाजी के तौर पर देखते हैं तो कौन से बल्लेबाज इस मैच में आपको लग रहे हैं कि बहुत सारे रन बना सकते हैं, मैच को जितवा सकते हैं, क्योंकि भैया इतना तो पक्का है ना कि मैच हाई वोल्टेज होगा। और ऐसे पाकिस्तान के मुकाबले भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है एशिया कप पर, अब ये देखना होगा कि आज के मैच में क्या होता है। विराट कोहली रन मशीन है, किंग कोहली है बल्लेबाजी, जब वो फॉर्म में है ही वो, और जब उनको स्टार्ट मिल जाएगा तो पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज, आप हारिस राउफ को याद कर लीजिए, वो वाला मैच जिसमें उन्होंने 2 छक्के मारे थे, हारिस राउफ को आज भी वो याद आ जाता है। तो विराट कोहली से बहुत डर है, रोहित शर्मा से बहुत डर है, अब डर की बात करेंगे तो कोई भी बल्लेबाज इंडिया का ऐसा नहीं है जिससे पाकिस्तान रिलैक्स हो सकता है, तो बड़ी मुश्किलें हैं। तो वही हाल पाकिस्तान के लिहाज से भी है, बाबर है, रिजवान है, इमामुल हक है, लगातार रन बना रहे हैं, फकर जवान, ये सारे बल्लेबाज इफ्तिकार हैं जो लास्ट मैच में सेंचुरी मारा है, लंबे लंबे छक्के मारने वाले भी बल्लेबाज हैं। एक गेंदबाज को मैं इंक्लूड करना भूल गया, कुलदीप यादव इस मैच में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए और वर्ल्ड कप के लिए भी, क्योंकि भैया आपने एक ऐसे गेंदबाज को बिठा रखा है चहल को, जिसको लेकर बहुत बातें हो रही हैं, तो चहल नहीं खेल रहे हैं, कुलदीप यादव के लिए बहुत बड़ा मौका है कि भैया अपनी फिरकी में फंसाइए, अपनी जो वेरिएशन है वो दिखाइए और इस मैच में कुछ ऐसा करके दिखा दीजिए कि वर्ल्ड कप के लिए आपका स्थान पक्का हो जाए। चहल नहीं खेल रहे तो कुलदीप मुश्किलें पैदा करेंगे, क्योंकि उनके पास वेरिएशन है, बहुत सारी जो गेंदे हैं शायद अभी भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। आपने IPL देखा है, बहुत सारे मैच में देखा है कुलदीप यादव मुश्किलें पैदा करते हैं, तो पेस अटैक के लिए भी ये पिच बहुत अच्छी है। अब देखना पड़ेगा कि भैया कितना स्कोर बनता है, स्कोर का पीछा कैसे होता है, मैच मतलब कुल मिलाकर हाई वोल्टेज है ये तो पक्का है। तो आप भी शामिल हो जाइए, आप भी इंक्लूड हो जाइए इस मैच में, आप किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं आप भी बताइए, कौन से बल्लेबाज आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस मैच के लिहाज से रखते हैं, आपके फेवरेट बल्लेबाज कौन है, गेंदबाज कौन है, ऑलराउंडर के तौर पर आप किसे देख रहे हैं। रविंद्र जडेजा का नाम मैं भूल गया था, रविंद्र जडेजा भी 10 ओवर बहुत क्रूशियल उनका होता है, मिडिल ओवर में जो वो गेंदबाजी करते हैं, रन रोकते हैं, विकेट निकालते हैं, और अरे भैया सिराज, शायद सिराज को यहाँ पर जगह आज के मैच में मिलेगी, जो आज का जो कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा सिराज के साथ जाएंगे, मोहम्मद शमी बैठेंगे, बुमराह खेलेंगे, कुलदीप यादव खेलेंगे, स्पिनर में फिर जडेजा आ जाएंगे और फिफ्थ बॉलर में आप हार्दिक पांड्या को देखेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन होगा। और बाकी किशन खेल रहे हैं इस मैच में, KL राहुल नहीं है, सूर्य कुमार यादव को जगह मिलेगी, श्रेयस अय्यर हैं, तो बैलेंस टीम है इंडिया की, ज़बरदस्त टीम है। अब
मैच तो भैया उस मैच में उस दिन क्या होता है ये डिपेंड करता है, किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरीके से बॉलिंग की शुरुआत होती है। अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो भैया 10 ओवर कैसे आपके निकलते हैं, गेंदबाजी हो रही है तो आप 10 ओवर कैसे निकालते हैं। तो बहुत ये प्रेशर वाला मैच है, हाई वोल्टेज मैच है। दर्शकों के लिए तो भैया ये बोनेंजा है कि मजा लीजिए, खूब मजा लीजिए, क्योंकि ये सब देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक मैच, इसलिए लिखा है खतरनाक, कहने का मतलब इंटरेस्टिंग होगा, नेल बाइटिंग होगा, आपके नाखून आप चबा जाएंगे, आप अपना सर खुजला खुजला कर अपने बाल उड़ा देंगे, क्योंकि मैच होता है ऐसा। भारत पाकिस्तान का मैच बहुत गर्मजोशी से देखते हैं, बहुत गर्मा गर्म मैच होता है, पटाखे फूटते हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगते हैं। तो एशिया कप का आगाज समझ लीजिए कि आज से ही हो रहा है, हालांकि कुछ मैचेस हो गए हैं, लेकिन आज का मैच बहुत बड़ा मैच, भारत पाकिस्तान का मैच 3 बजे से। बारिश को लेकर भी थोड़ा आपको हम बता दें, थोड़ा सा दखल है बारिश का, बताया जा रहा है कि 70% आ गया, अभी 90 से शुरुआत हुई थी, 2 दिन पहले मैंने देखा था कि 90% चांसेस है कि बारिश होगी, कल देखा था 70 था, आज पता चला है कि 30%, मतलब मान के चलिए कि मैचेस होंगे। और उम्मीद करते हैं कि भैया मैच होने दीजिए, इंद्रदेव मैच होने दीजिए, इस मैच का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, हर एक लोग कर रहा है, एक्सपर्ट कर रहे हैं, कमेंटेटर कर रहे हैं, दर्शक कर रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी में जो क्रिकेट देखने वाले की संख्या भारत में है ना, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद है। तो मैच हो जाए, और मैच हो जाए तो उसका मजा ही अलग है, बैटिंग हो बॉलिंग हो सब क्लास की है, क्लास के प्लेयर हैं, क्लास के पेस अटैक है, क्लास की टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा अनबैलेंस है, इसका फ़ायदा भारत उठा सकता है अगर शुरुआती ओवर में विकेट निकाल ले तो। ये भारत के लिए एक मौका होगा इस मैच में कि शुरुआती विकेट निकाल लीजिए और मैच को बना लीजिए। बाबर आजम भी आजकल नीचे आ रहे हैं और उनके जो टॉप ऑर्डर हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना होगा। जैसे मैंने आपको बताया इमामुल हक 50 के एवरेज से रन बना रहे हैं, फ़खर जमान जो इंडिया के खिलाफ नहीं चल रहे थे, अब देखना होगा इस मैच में उनके ऊपर भी दबाव होगा। बहुत सारी बातें, कितनी बातें करें, मैच का मजा लीजिए, बहुत करीब आ रहा है, 3 बजने वाले हैं, 1-2 घंटे का समय जो बचा हुआ है उस मैच में आप सर खुजलाइए, आप भी अपना कॉम्बिनेशन बनाइए, निकालिए कौन से प्लेयर हैं, किसको देखना चाहते हैं। विराट कोहली बहुत इंतजार है सबका कि भैया पाकिस्तान का गर्दा उड़ा दीजिए, धमाल मचा दीजिए, बैटिंग में खूब सारे रन बनाइए। रोहित शर्मा के लिए भी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिटमस है, लिटमस टेस्ट है, खूब रन बनाना होगा, ट्रॉफी जीतना होगा, ICC ये जो वर्ल्ड कप होने वाली है उससे पहले कुछ ऐसा करना होगा कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंडियन टीम उस वर्ल्ड कप में जाए, टीम पूरी तैयारी के साथ जाए, उनकी पेस अटैक जो है वो जबरदस्त जाए। सिराज के बारे में फिर बताना मैं भूल गया था, सिराज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन टीम के लिए, वर्ल्ड कप के लिए बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने मेहनत के बल पर बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं, एक साधारण गेंदबाज से एक खास गेंदबाज टीम इंडिया के लिए बन गए हैं। मैं कुणाल सिंह, मैं भी इंतजार कर रहा हूं भारत और पाकिस्तान के इस हाई वोल्टेज मैच का, जैसे आप कर रहे हैं। बाकी मैच के बीच में भी कुछ अपडेट देंगे, मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद भी देंगे, मजा लीजिए मैच का, मिलेंगे फिर।